इस लेक्चर में हम फ्लो थ्रू नोजल्स समझेंगे तो देखिए नोजल क्या होता है देखिए इन नोजल इज ए डिवाइस विच इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ड्रॉप ऑफ फ्लूड ठीक है ये क्या करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूड को इंक्रीज करता है नोजल तो देखिए फ्लूड आपका दो तरीके का हो सकता है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हो सकता है जैसे कि आपका लिक्विड होता है ठीक वाटर जो आपका वो इनकम्प्रेसिबल रहता है तो नोजल एक्सलरेट फ्लूड इन एक्सपेंस ऑफ इट्स हेड ड्रॉप यहां पे क्या होता है हेड ड्रॉप होता है और लिक्विड की वेलोसिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है लिक्विड आपका एक्सलरेट करने लगता है सेकेंड फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड कंप्रेसिबल फ्लूड क्या होता है गैसेस होता, होता है और वेपर होता है यहां पे नोजल क्या करता है नोजल एक्सलरेट द फ्लूड ऑन अकाउंट ऑफ एंथेल्पी ड्रॉप यहां पे एंथेल्पी ड्रॉप होता है प्रेशर आल्सो ड्रॉप प्रेशर भी ड्रॉप होता है और मेनली क्या होता है आपका एंथेल्पी ड्रॉप के कारण क्या होता है फूड आपका एक्सलरेट करता है तो देखिए ये आपको एक नोजल नजर आ रही है ये कौन सी नोजल है ये कन्वर्जिंग नोजल है डाइवर्जिंग भी होती है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल भी होती है वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे जो आपका मास आ रहा है दैट इज एम वन आ रहा है और यहाँ पे मास कितना है दैट इज एम टू है जितना आएगा उतना ही जाएगा ठीक तो ंग अंडर स्टडी फ्लो अंडर स्टडी फ्लो क्या होगा एम वन विल बीवल टू एम टू आपका होगा मतलब रो वन ए वन सी वन इक्वल टू रो टू ए टू सी टू इज इक्वल टू एम होगा यहाँ पे देखिए मैंने वेलोसिटी को सी वन और सी टू से रिप्रेजेंट करा है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है ये वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूड है चूंकि आगे जो वी रहेगा वो वॉलूम रहेगा वी क्या रहेगा आपका वॉलूम रहेगा स्पेसिफिक वॉल रहेगा तो वो वाला व्यू और यहाँ वाले व्यू में डाउट न उठ जाए इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने सी वन और सी टू से रिप्रेजेंट किया है अब जो साउंड की वेलोसिटी है उसके लिए हम अलग नॉमिक्लेचर यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं रो ए सी इज इक्वल टू एम लिख सकते हैं रो ए सी आपका एम के जितना आ जाएगा अब देखिए हम इसका डिफरेंसी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इस वाले टर्म का डिफ्रेंसियन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ए सी डेल रो अपॉन डेल वाई प्लस

डेल रो अपॉन रो प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस डेल ए अपॉन ए इक्वल टू जीरो इट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉल अब हम क्या कर रहे हैं हम जानते हैं लोकल मैक नंबर इन कंप्रेसिबल फ्लो देखिए मैक नंबर क्या होता है इट इज द स्पीड ऑफ फ्लूड एट अ पॉइंट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड एट दैट पॉइंट ये मैक नंबर आपका होता है स्पीड ऑफ साउंड देखिए स्पीड ऑफ साउंड को मैंने एल्फा से रिप्रेजेंट किया है पहले में किससे कर रहा था सी से कर रहा था हम किससे कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड अल्फा इज इक्वल टू क्या है दैट इज अंडर रूट ऑफ गामा आर टी ठीक है स्पीड ऑफ साउंड हम जानते हैं अंडर रूट गामा आर टी होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी पी ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है हम जानते हैं जब मैक नंबर इज लेस देन वन होता है इट इज सबसोनिक फ्लो अगर मैक नंबर इज इक्वल टू वन होता है इट इज सोनिक फ्लो होता है और जब वैक नंबर इज ग्रेटर देन वन होता है तो इट इज अवर सुपर सोनिक फ्लो होता है तो देखिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे हमने नोजल लिया है ये जो आपका नोजल है इट इज कन्वर्जिंग नोजल है मान लीजिए यहाँ पे जो मैक नंबर है इट इज लेस देन वन है तो क्या होगा नोजल का काम क्या है वेलोसिटी को बढ़ाना वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैक नंबर भी आपका बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए मैक नंबर आपका वन हो गया यहाँ पे देखिए मैंने डाइवर्जिंग नोजल लिया है तो डाइवर्जिंग नोजल में यहाँ पे जो मैक नंबर है दैट इज इक्वल टू वन है और यहाँ पे देखिए डाइवर्जिंग नोजल में नोजल का काम क्या वेलोसिटी बढ़ाना यहाँ पे देखिए मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन हो गया यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई देखिए अब यहाँ पे हम समझेंगे आगे चल के कि एरिया बढ़ने पर भी वेलोसिटी आपकी क्यों बढ़ गई है ना नोजल था एरिया बढ़ा लेकिन तब भी वेलोसिटी यहाँ पे क्यों बढ़ी है यहाँ पे एम इज ग्रेटर देन वन हो गया है वेलोसिटी मतलब बढ़ गई है अब यहाँ पे देखिए हमने कौन सी नोजल लिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल लिया है मान लीजिए यहां पे मैक नंबर कितना है one है मतलब यहां पे सब सोनिक फ्लो हो रहा है ठीक है यहां पे मैक नंबर इक्वल टू वन हो गया आपका सोनिक फ्लो हो गया और यहां पे देखिए सुपर सोनिक फ्लो हो गया एम इज ग्रेटर देन वन हो गया ये आपका मैक नंबर यहां पे बढ़ गया तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में भी आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है और मैक नंबर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हम समझते हैं कि आखिर मैक नंबर यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तब भी देखिए वेलोसिटी बढ़ क्यों रही है तो देखिए हम जानते हैं हम क्या जानते हैं एच वन माइनस एच टू इक्वल टू सी टू स्क्वायर अपॉन टू माइनस सी वन स्क्वायर बाय टू इट इज द वेलोसिटी इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर टू हम क्या किए एच टू को मैं इस साइड ले गया सी वन स्क्वायर बाय टू को मैं उस साइड ले गया तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी इसको आगे हम लिख सकते हैं H C 2. Is, is क्या हो जाएगा? हम लिख रहे हैं एच प्लस बाय टू इक्वल टू कांस्टेंट एच प्लस बाय टू इक्वल टू हमने क्या लिखा कांस्टेंट लिखा अब देखिए इसको हमने क्या करा एच वाले टर्म को, को दूसरे साइड ले गया तो इसको मैंने लिख दिया के माइनस एच इक्वल टू सी स्क्वायर बाय टू अब इसका मैंने क्या करा कर दिया रिस्पेक्ट टू डी सी तो देखिए ये आपका क्या जाएगा That is, DH upon DC is equal to C आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये dh हो जाएगा इसका डिफरेंसिएशन डी एच हो जाएगा और यहां पे देखिए करेंगे तो इसका डिफरेंसिएशन कितना होगा टू सी डी सी हो जाएगा तो टू से ऊपर वाला टू कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा सी बचेगा मतलब हमने क्या लिख दिया माइनस ऑफ डी एच अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या लिख दिया दैट इज सी लिख दिया मतलब डी एच बराबर क्या आ जाएगा दैट इज माइनस सी आपकी आ जाएगी तो यहां से आपने डी एच की वैल्यू निकाल ली ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गया अब सेकेंड हम जानते हैं एच इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है हम जानते हैं हम इसको लिख सकते हैं डी एच अपॉन डी यू इनका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डी यू कर रहे हैं तो देखिए ये u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू तो डीयू तो ये वन हो जाएगा वन प्लस पी डीवी अपॉन डी यू प्लस वी डी पी अपन डी यू आपका हो जाएगा तो देखिए डी यू में क्या कर सकता हूं एलसीएम ले सकता हूं तो यहां पे डी यू आपका आ जाएगा और सारे नीचे के डी यू आपके कट जाएंगे इक्वेशन आपके बच जाएगी डी एच इक्वल टू डीयू प्लस पी डीवी प्लस वी डी पी अब जानते हैं क्या जानते हैं डी यू प्लस पी डीवी क्या होता है ये डेल क्यू के जितना होता है हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक पढ़ा है हम 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 जानते हैं 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 नोजल नोजल फ्लो फ्लो के लिए डेल क्यू की की वैल्यू कितनी होती है? होती है है जीरो फॉर द ठीक तो तो यहां यहां पे पे क्या लिख सकते is, is लिख सकते हैं। तो is, is, सकते इज इक्वल टू ये हमारी इक्वेशन नंबर हो हमने कर दिया माइनस सी डी सी इज इक्वल टू वी डी पी हमने इसको इक्वेट कर दिया अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस सी स्क्वायर से तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी सी अपॉन सी इज इक्वल सी स्क्वा यहां पे जो v है ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है हम जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका क्या होता है दैट इज वन अपॉन डेंसिटी होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है वन अपॉन डेंसिटी होता है तो V को हटा के मैं यहाँ पे रो लिख सकता हूं नीचे तो आपकी इक्वेशन बन गए डी सी अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पी अपन रो सी स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन बन गई अब हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म जिसका कि डेरिवेशन हमने करके स्टार्टिंग में निकाल लिया था क्या निकाला था डी सी अपॉन सी प्लस डी रो अपॉन रो प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू जीरो

अब हमने एलसीएम ले लिया एलसीएम क्या लिया डीपी अपॉन रो सी तो अंदर क्या बचेगा और हमने क्या एलसीएम लिया डीपी अपॉन सी स्क्वायर तो ये सी स्क्वायर कहा चले जाएगा ऊपर चले जाएगा और ये डीपी आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ठीक है तो ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी सिंपली हमको क्या

तो यहाँ पे डी पी और डी रोप आपका ऊपर है डी रो आपका ऊपर है वो क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डीरो हो जाएगा तो डी पी अपन डी रो क्या हो जाएगा एल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड को मैंने सी से रिप्रेजेंट नहीं किया एल्फा से किया है तो अब आप हम इसको आगे चलते हैं तो देखिए हम जानते हैं हम क्या जानते हैं सी स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मैक नंबर के जितना आ जाएगा तो सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर को मैंने मैक नंबर एम स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख लिया है अब dp पी अपॉन अगर dp पी अपॉन की वैल्यू निकालना तो आपका कितना आ जाएगा दैट इज रो सी स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस एम स्क्वायर इसकी वैल्यू की हमको भी जरूरत पड़ेगी ठीक तो देखिए यहाँ वाले टर्म में मिटाता हूँ यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है डाइवर्जेंट नोजल है ये ए वन है और ये ए है अब देखिए हमारी ये वाली इक्वेशन डी पी

dp पी इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे माइनस डी लिख देंगे डीपी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहां जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस डी आपका आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे टू गेव द वेलोसिटी वेलोसिटी अगर आपको देना है तो डीपी की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव आनी चाहिए अगर आपको वेलोसिटी देना है तो ये डीपी की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव आनी चाहिए

फ्रूट को आगे की ओर एक्सलरेट होने के लिए डीपी की वैल्यू मस्ट बी निगेटिव होना चाहिए और डीपी की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू माइनस डी ए है और डीपी क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए मतलब हम लिख सकते हैं माइनस डी ए इक्वल टू निगेटिव माइनस डी ए इक्वल टू निगेटिव क्यों लिख सकते हैं डीपी की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए तभी आपका फ्लूट आगे की ओर एक्सलरेट होगा मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डी ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी डीए की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या डी आपका क्या है ए टू माइनस ए वन क्या है आपका डीए है तो देखिए ए टू आपको बड़ा नजर आ रहा है ए वन आपको छोटा नजर आ रहा है मतलब ए टू इज ग्रेटर देन ए वन है ए टू इज ग्रेटर देन ए वन है फॉर मैक नंबर ग्रेटर देन वन तो ये था आपका फ्लो थ्रू नोजल थैंक यू